हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एम्स बनने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं सरकार का अपना तर्क है, हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में शायद ही राजनीतिक मुद्दा भी बन जाए। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव सहित कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मनेठी पहुंचे, जहां एम्स की आधारशिला रखी जानी थी। इस मामले पर अशोक तंवर ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अशोक तंवर ने कहा कि सरकार सिर्फ जनता से झूठे वादे करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बावजूद रेवाड़ी जिले के गांव मनेठी में एम्स निर्माण का कार्य शुरू न होने से गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने आज महापंचायत कर अपनी गिरफ्तारियां दी। वहीं एम्स निर्माण जल्द शुरू न होने की सूरत में बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए कड़े शब्दों में कहा कि अब नेताओं को इस पर राजनीति नहीं करने दी जाएगी। रेवाड़ी नारनौल मार्ग स्थित कुंड बस स्टैंड पर हुई इस महापंचायत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के अलावा पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया, पूर्व विधायक नरेश यादव के अलावा कई राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। एम्स संघर्ष समिति के बैनर तले हुई महापंचायत में नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले पर जो राजनीति हुई वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एम्स पर राजनीति करने वालों को अब सबक सिखाया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने महापंचायत में मौजूद ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार आने पर प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण कराया जाएगा। एम्स को लेकर के मनेठी यहाँ के सांसद साथियों, देश के प्रधानमंत्री ने दिया और पिछले चार साल में भी बना पाए, इसको लेकर के घोषित है, आंदोलनरत है, जेल भरने का कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी उनका पूरा समर्थन करती है। धन से इलाके और सरकार इस पूरा बोल करके इसी तरीके से फिर दोबारा लेना चाहती है। जैसे लोकसभा जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हरियाणा में उन्होंने कहा कि एम्स के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, यहाँ पर एम्स बना, ना डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, ना रेल यूनिवर्सिटी बनी। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो पूरी तरीके से जो है इस सरकार ने हरियाणा की अनदेखी करी। निश्चित तौर पे ये महापंचायत है और जिस भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और फरेब का सहारा लिया, जो भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने के बाद आज कंडीशन लगाकर पीछे हट रही है, ऐसी सरकार के ऐसे नेताओं का हम विरोध करेंगे। और जब तक ये एम्स नहीं बनेगा, हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने मुझे महासचिव बना रखा है, मेरी पार्टी और मैं निश्चित तौर पर यहाँ पूरा समर्थन देंगे और लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसकी बात नहीं मानी जाएगी। मेरा केवल आप लोगों से ये कहना है कि भाई संघर्ष अगर करना है, आपने अगर आप मीठी मीठी बातों में जो आए, जितना आदमी मीठा होता है ना उतना ही सबसे भयानक आदमी होता है। मीठे में ही कीड़े पड़ते हैं, कभी आपने इसमें कभी नीम पे कभी कीड़े पड़ते देखे आपने। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की इस महापंचायत का सरकार पर कितना असर पड़ता है। क्या एम्स का शिलान्यास मनेठी में हो पाता है या फिर सरकार ग्रामीणों के आंदोलन का सामना करने को तैयार रहेगी। रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट।